आप सबको नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हरियाणा ड्राइविंग स्कूल रेवाड़ी में। आज हम आपको वो जानकारी देना चाहेंगे जिस जानकारी का आप लोगों को भी इंतजार था। जी हाँ, नए नए ड्राइवर जब बनने की कोशिश करते हैं ना, तो सब भाई बहन यही कहते हैं, जी स्टेयरिंग पे कंट्रोल हमारा नहीं हो रहा है ना, कहते हैं ना। चलिए आज आपको वो जानकारी देना चाहेंगे कि स्टेयरिंग पे कंट्रोल कैसे करें। पहली बात, ड्राइविंग सीट पे बैठें, सीट बेल्ट लगाएं, गाड़ी को न्यूट्रल करें और गाड़ी के इंजन को स्टार्ट करें। पहला काम है, मैंने न्यूट्रल की गाड़ी, ठीक है, ये है तीसरा गियर, ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर, ये न्यूट्रल, ये तीसरा गियर, ये न्यूट्रल, ये चौथा गियर, ये न्यूट्रल, यानी कि बीच में सेंटर में न्यूट्रल होती है। अब क्लच को पूरा दबाया और मैंने गाड़ी के इंजन को स्टार्ट कर दिया है पुश बटन के द्वारा, ठीक है। अब मैं आपको वो जानकारी देना चाहूंगा कि आपकी गाड़ी का स्टेयरिंग इधर उधर ना जाए और आपको स्टेयरिंग का जजमेंट भी आ जाए। पहली बात तो देखिए, स्टेयरिंग को पकड़ना कैसे है दोस्तों। स्टेयरिंग पकड़ने की ये विधि है सबसे अच्छी, यूं। कई लोग क्या करते हैं, स्टेयरिंग को यूं पकड़ लेते हैं, है ना, कई यूं पकड़ लेते हैं, ऐसे नहीं पकड़ना। स्टेयरिंग पकड़ना है ऐसे, बिल्कुल सीधा। और अब मैं आपको वो जानकारी देना चाहूंगा कि स्टेयरिंग के ऊपर केवल हाथों का वजन भी ना हो। आप समझ गए ना, कई लोग क्या करते हैं, स्टेयरिंग को टाइट पकड़ लेते हैं यूं कि यार गाड़ी कहीं इधर उधर ना भग जाए छुटा के, है ना, होता है ना ऐसे। तो आज आपको वो जानकारी देना चाहेंगे कि आप लोगों को कभी भी स्टेयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना है, ड्राइविंग सीट पे बैठ के डरना नहीं है दोस्तों। यदि आपने डर शुरू कर दिया ड्राइविंग सीट पे बैठते ही, तो आप भी स्टेयरिंग को टाइट पकड़ लोगे और गाड़ी इधर जाएगी ना, तो आप इसको यूं खींचोगे, यूं यूं, और इधर जाएगी तो यूं खींचोगे ना, ऐसे नहीं आएगा ये। पहला काम, ड्राइविंग सीट पे अपने शरीर का पूरा वजन सीट पे रखें, स्टेयरिंग पे ना, ठीक है, पूरा वजन सीट पे रखें और अपने दोनों हाथों का वजन भी कंधे पे हो, स्टेयरिंग पे नहीं होना चाहिए। स्टेयरिंग बिल्कुल घुमाने के लिए यूं और यूं, एकदम फ्री स्टाइल में। अब मैं आपको ड्राइविंग करके दिखाता हूं कि स्टेयरिंग किस तरह संभालना है जिससे आपका स्टेयरिंग में जजमेंट अच्छा हो जाए। मैंने फर्स्ट गियर लगा दिया गाड़ी में, अब मैं ड्राइविंग करना शुरू कर रहा हूं। देखिए, सामने रोड पे दो सफेद पट्टियां बनी हुई है, इस रोड को दो भागों में बांटा हुआ है, एक राइट वाला और एक लेफ्ट वाला। तो हमारी साइड है लेफ्ट, इंडिया की जो साइड होती है वो लेफ्ट में होती है। अब मैं लेफ्ट में ड्राइविंग करना शुरू कर चुका हूं। दोस्तों, यहां केवल इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि जो सफेद पट्टियां हैं इसके बीच में ही हमने अपनी गाड़ी चलानी है। एक बार घुमा के देखिए, लेफ्ट में ही हूं, हल्का सा स्टेयरिंग, बस ज्यादा हो गया, फिर राइट वापस, सफेद पट्टी पार नहीं करनी है, फिर लेफ्ट। ये तो आपने अपना खुद का जजमेंट ही देखना पड़ेगा कि सफेद पट्टी गाड़ी पार कर चुकी है या नहीं। अब मान लीजिए राइट में गाड़ी जा रही है, सफेद पट्टी को टच कर चुकी है, सफेद पट्टी का मतलब इस पिलर के नीचे सामने टायर लगा हुआ है भाई, ये वाला पिलर बाहर नहीं करना, ठीक है, सफेद पट्टी से इस वाले पिलर को बाहर नहीं करना। बाहर कर दिया तो गाड़ी उधर चली गई, बाहर नहीं किया तो यहां से लेफ्ट में फिर वापस। ठीक उसी तरह ये वाला पिलर भी है, ये वाला पिलर, यहां भी एक टायर चल रहा है ना। यहां आप लोग कहोगे कि जी हमें तो जजमेंट नहीं आ रहा, लेफ्ट साइड का पिलर कहां है। भाई साहब, पिलर यही तो है गाड़ी में, आप यूं हाथ करेंगे तो कितनी दूरी पे है ये पिलर, ये दरवाजा, ये मुश्किल से 4 फीट भी नहीं होगा, ठीक 4 फीट दूर यहां टायर लगा हुआ है, इसको आप आसानी से देख सकते हैं। यदि फिर भी आपकी समझ नहीं आई तो मैं आपको देसी अंदाज में एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा कि आप पैदल चल रहे हैं, मान लीजिए
और आपके कंधे पे एक 10 फीट का पाइप रखा है ऐसे यूं, है ना? पहली बार रखा है ना वो पाइप आपने कंधे पे 10 फीट का, और आप उसको बचाते बचाते ले जाते हो, 5 फीट इधर होता है 5 फीट इधर होता है ना, फिर भी आप उसे बचा लेते हो, नहीं टकराते ना कहीं भी, पहली बार ही तो रखा था, जजमेंट कैसे आ गया आपको? ठीक उसी तरह ये सोच लेना है कि गाड़ी 5 फीट इधर है और राइट साइड में तो हम बैठे ही हैं, तो वहां जाके सफेद पट्टी से और फिर जो है गाड़ी राइट लेके आनी है ऐसे, यहां से फिर लेफ्ट लेके जानी है। दोस्तों स्टेयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना है, ये ध्यान रहे, यदि आपने स्टेयरिंग को टाइट पकड़ लिया तो आपको स्टेयरिंग का जजमेंट कभी भी नहीं आएगा, केवल ये घुमाने के लिए है। आप चाहो तो इसे एक उंगली से भी घुमा सकते हो, देखिए एक उंगली से भी, नॉर्मल उंगली से भी यूं, क्योंकि ये पावर स्टेयरिंग होता है, और घुमाने के लिए बिल्कुल भी ताकत लगाने की कोई जरूरत नहीं होती। ताकत तो तभी लगाओगे जब आप टाइट पकड़ लोगे, यूं करोगे है ना, यूं नहीं करना स्टेयरिंग। ये देखिए कई भाई बहन सीखते समय यूं करते हैं, यूं, ये देखिए ये सरासर गलत है, बिल्कुल नहीं करना, ना इसमें ताकत लगानी, बिना जान के बिना ताकत के स्टेयरिंग घुमाना है। पहला नियम मैंने आपको बताया कि आप जब ड्राइविंग सीट पे बैठो तो पूरा वजन गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे आपकी बॉडी का हो, ठीक है, उसके बाद स्टेयरिंग को घुमाएं, राइट ले जाएं, फिर लेफ्ट ले जाएं, बस देखें आगे, मेरी तरफ नहीं देखना आपने, आगे देखना है। सफेद पट्टियां बनी हुई है। ड्राइविंग सीखने में सबसे आसान जो तरीका है ये सफेद पट्टी के बीच में आप गाड़ी चलाते रहें, एक बार राइट ले जाएं, एक बार लेफ्ट ले जाएं। यदि दोस्तों इस तरह आपने स्टेयरिंग घुमाना सीख लिया बिना वजन के, हाथों का वजन स्टेयरिंग पे नहीं रखना है, ताकत लगा के स्टेयरिंग को नहीं पकड़ना है, ये कहीं नहीं जाएगा, आपकी ड्राइविंग सीट के सामने लगाया है कंपनी ने, यहीं की यहीं रहेगा। आपके दिमाग में आ जाता है कि यार मैं स्टेयरिंग को टाइट पकड़ लूं तो गाड़ी इधर उधर नहीं जाएगी, मैंने इसको टाइट पकड़ लिया है, ये सरासर गलत है दोस्तों। स्टेयरिंग को बिल्कुल ना के बराबर पकड़ना है, ना के बराबर का मतलब आपने स्टेयरिंग को टाइट नहीं पकड़ना, केवल स्टेयरिंग को पकड़ना है यूं घुमाने के लिए, और इस तरह ना घुमाए, इस तरह यूं, ठीक है, ये कई यूं घुमाते हैं जी, क्या करूं घूम नहीं रही गाड़ी, तो ये देखिए तरीका, ये बिल्कुल गलत है। स्टेयरिंग को फ्री माइंड से घुमाए, लेफ्ट घुमाया फिर राइट घुमाया, ये देखिए फिर लेफ्ट घुमाया, सफेद पट्टी के बीच में ही ड्राइविंग करनी है, दोनों सफेद पट्टियां जो आपके सामने है इसी के बीच में ड्राइविंग करनी है। यहां दोस्तों मैं एक जानकारी और आप लोगों तक शेयर करना चाहता हूं कि बीच बीच में साइड मिरर भी देख लिया करो, है ना, कोई आपकी तरह हो सकता है, कोई और सीखने वाला भी गाड़ी चला रहा हो पीछे और आप राइट घुमा दो और वो भी इधर से आपकी गाड़ी से ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा हो, है ना, तो लेफ्ट में भी जो मिरर लगा है ये वाला देखिए, ये वाला मिरर लेफ्ट में, इसको भी आप लोगों ने देखना है, कभी कभी देखना है कि कोई व्हीकल तो नहीं आ रहा है, कोई बाइक वाला तो ओवरटेक नहीं कर रहा है, कभी लेफ्ट में भी आपकी नजर जानी चाहिए, कभी राइट में भी। बस एक काम कर लेना, गाड़ी की स्पीड तेज ना करना, गाड़ी की स्पीड बिल्कुल धीरे 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 हो, फर्स्ट गियर में ही गाड़ी चले, इस तरह आपने 1 किलोमीटर कम से कम ड्राइविंग करनी है, ठीक है। जब आपका 1 किलोमीटर लगभग पूरा हो जाएगा तो मैं आपको निश्चित रूप से दावे के साथ कहना चाहूंगा कि आप लोगों का जो स्टेयरिंग पकड़ने का डर था, स्टेयरिंग का जो जजमेंट आप लोगों को नहीं आ रहा था, वो जजमेंट आ जाएगा। आप ये करके देखना, आप याद करोगे मुझे कि यार एक बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर ने इस तरह की जानकारी दी,
और हम स्टेयरिंग संभालना सीख गए, स्टेयरिंग पर कंट्रोल हमारा हो गया है। यदि दोस्तों आपका स्टेयरिंग पे 10% भी एक दिन में कंट्रोल हो जाता है तो अच्छा है ना, बुरा तो नहीं है। तो आप लगातार हमारी वीडियो देखते रहें, हम आपके लिए ड्राइविंग के क्षेत्र में अच्छे से अच्छा काम भी करते रहेंगे। यदि आपने इस तरह स्टेयरिंग का कंट्रोल सीख लिया फ्री माइंड से, ताकत नहीं लगानी स्टेयरिंग के साथ, बस आराम से यूं घुमाना है एक बार, फिर लेफ्ट घुमाना है, फिर राइट घुमा देना है स्टेयरिंग को, और गाड़ी चलती रहे साइड मिरर जरूर देखते रहे। यदि आपने 1 किलोमीटर इस तरह ड्राइविंग की तो आज आप लोगों के सामने मैं बताना चाहूंगा कि आपका मन करेगा कि अब मैं सेकेंड गियर भी लगाऊं, अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं गाड़ी की। आप लोग 10 की स्पीड पे ड्राइविंग करें 1 किलोमीटर तक, और उसके बाद सेकेंड गियर लगा दें, फिर आप धीरे धीरे चलाते रहें, 20 की स्पीड तक गाड़ी को आगे लेकर जाएं, साइड यही बनाए रखें, एक बार लेफ्ट ले जाएं हल्का सा स्टेयरिंग, फिर राइट ले जाएं, फिर लेफ्ट ले जाएं, फिर राइट ले जाएं, फिर बिल्कुल सेंटर में ड्राइविंग करके भी देख लें। ये था दोस्तों ड्राइविंग करने का एक बहुत अच्छा तरीका। अब देखिए मेरे सामने एक ट्रक खड़ा है रोड पे, है ना, हमने क्या करना है, करीब 50 मीटर पहले राइट साइड मिरर देखना है और राइट का इंडिकेटर भी ऑन कर देना है। कुछ नहीं आ रहा ना पीछे, और राइट का इंडिकेटर भी ऑन कर दिया। दोस्तों 50 मीटर पहले हल्का सा इशारा देना है राइट का, यदि आपने हल्का सा इशारा दे दिया तो इस तरह ओवरटेकिंग आसानी से हो जाती है। जब ओवरटेक हो जाए तो आगे जाके इंडिकेटर ऑफ किया और लेफ्ट में अपनी साइड में आप गाड़ी लेकर जाएं। ये था आज का हमारा स्टेयरिंग पकड़ने का कंट्रोल किस तरह जो है हमें आए। आगे हमारा रोड समाप्त होता है ना, हम सर्विस रोड पे ड्राइविंग करने की कोशिश कर रहे थे, आप लोगों को दिखा रहे थे। आप लगातार हमारे साथ बने रहेंगे, आपका प्यार और आपका आशीर्वाद इसी तरह बनाए रखा आपने तो हम ड्राइविंग के क्षेत्र में आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा काम करते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ड्राइविंग मतलब हरियाणा मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल।